वॉइस अच्छे से आना चाहिए, कि हमारा जो है माइक सेटअप करने का ही व्लॉग है ना। आवाज़ बराबर आनी चाहिए भैया, आवाज़ तो सही हो जाए, बाकी सब सही है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोड स्टोरी। और आज हम देखने वाले हैं रोड स्टोरी के खास बनाने वाले इस मॉड्यूलर हेलमेट का माइक सेटअप। करने के लिए हम लोगों को पहले तो चाहिए मॉड्यूलर हेलमेट, क्योंकि मॉड्यूलर हेलमेट के लिए स्पेशलाइज मतलब अपने को बना रहे ना, तो वीडियो के लिए तो मॉड्यूलर हेलमेट रहना चाहिए, जो भी ये SMK का रहेगा। मेरा SMK का है तो मैं SMK का, और माइक जो है मेरा ये पहले बोया माइक खरीदा था तो बोया का माइक है। इतना ज़्यादा छोटा माइक ट्राई करो कि छोटा माइक जो रहता है छोटा वायर वाला माइक रहना चाहिए माइक, इसके लिए इतना बड़ा ज़रूरी नहीं है। तो माइक चाहिए, फिर चाहिए सीज़र, और ये कोई भी स्ट्रॉ ले लो, एपी या टेट्रा पैक में जो स्ट्रॉ आता है ना, 10 रुपये से ज़्यादा खर्चा आएगा इसका, वो भी अपने लिए पी लेना। और क्या दूसरा जो है ये ब्लेड ऐसा या ब्लेड या कटर कोई भी रहेगा चाहिए हम लोगों को। और ये सेटअप बाद में कैसा होगा उसके बोले चाहिए, और डबल टेप चाहिए कुछ भी अंदर चिपकाने के लिए, तो डबल टेप एक है, और सेलो टेप चाहिए रहेगा, वो आगे बताऊंगा क्यों सेलो टेप चाहिए, अगर रिक्वायरमेंट रहेगा सेलो टेप चाहिए नहीं तो नहीं चाहिए। पहला स्टेप रहेगा कि अपने को जो है लाइनर्स खोल दो हेलमेट का, जो भी लाइनर रहेगा ना तो लाइनर खोल देना है। लाइनर के अंदर के तरफ जो है वो अपना माइक जो है वो अंदर डालना है। तो उसके लिए जैसा कोई स्पॉट ढूंढ लो, जो माइक का जो ऐसा बड़ा अगर रहता है आपका, ऐसा कोई बड़ा मतलब माइक है और बहुत सारा वायर है, तो उसको पीछे की तरफ जो है हेलमेट का बैक साइड जो रहता है उसमें कोई जगह रहेगी तो वहाँ पे डबल टेप लगाना है। देखो यहाँ पे मैंने डबल टेप लगाया ना, तो वो डबल टेप ऐसा लगा लेना, ताकि डबल टेप जो है वो इसको होल्ड कर लेगा पीछे। और जो कुछ पार्ट है ये वाला जो माइक अपने गोप्रो में लगना है, ये पिन जो है 3 mm का जो 3.5 mm जो जैक है, वो पीछे की तरफ से ऐसा यहाँ पे डाल निकालो, ये जो स्ट्रैप आता है ना पीछे से, स्ट्रैप से निकालने का। तो ये और थोड़ा सा पार्ट जो है यहाँ से इस तरह से निकाल के जो है ये कोई एक ऐसा पिन या केबल ऐसा रहता है, तो ये केबल से जो है थोड़ा टाई कर लो, तो बाद में जो है वो स्टिक करने के लिए काम आएगा। ये भी स्टिक करना है कॉर्नर में थ्री ये जो डबल टेप के हेल्प से। हम लोग ने बहुत सारा ऐसा देखा वीडियोस, तो ऐसा कोई वीडियोस था नहीं जो बता सके किस तरह मॉड्यूलर हेलमेट में माइक सेटअप हो सकता है। मैं बहुत सारे ट्राई किया, जो फ्रंट पे जो रहते हैं यहाँ पे चिपका देते हैं, चिपकाने की वजह से ना मॉड्यूलर में ऊपर नहीं कर पाएगा, फ्लिप अप हो नहीं पाता, फिर फ्लिप अप का कोई मतलब नहीं रहता फिर लेके। टूरिंग के लिए सबसे बेस्ट है कि आप फ्लिप अप लो ना, फुल फेस लेते हो तो फिर कैसा है कि वो कंफर्टेबल नहीं रहता। तो इस तरह ये बाहर आएगा यहाँ से, थोड़ा सा बाहर ऐसा ले लेना यहाँ पे, बाकी का अंदर ही रहेगा। लाइनर सब अंदर जाने के बाद में इसको ऐसा बंद कर लो यहाँ पे से। और मैंने पहले से ही जो ये स्ट्रॉ जो है इसको कट करके बना सकते हो, ऐसा कुछ बन जाएगा। आपको चाहिए तो कलर भी कर सकते हो, अगर कलर करना है तो, कलर नहीं करना है तो अगर वाइट है, मैं मोस्टली तो अच्छा लुक आने के लिए कलर किया मैं। ये जो स्ट्रॉ है इसको इधर से कट कर लेना है बीच में से, ताकि वायर इसके अंदर से जाके इधर ऐसा स्ट्रेट हो जाएगा ये इस तरह। रुको मैं करके बता देता हूँ, ये माइक जो यहाँ से निकला है वो ऐसा स्ट्रेट होना चाहिए। इस तरह अंदर चला जाएगा ये स्ट्रॉ, इसके अंदर से निकाल लेना इधर से,
ताकि ये स्ट्रेट रहे इस तरह। तो ये इसके अंदर जो है पहले डबल टेप लगा लो, डबल टेप का थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा तोड़ लो, सब पीस तोड़ के ना इसमें अंदर यहाँ पे लगा है, यहाँ पे साइड में लगा दो, डबल टेप का जो है वो यहाँ पे लग जाएगा, इस तरह लग जाएगा। और जो है वो ये जो वायर है बाकी का अंदर डाल के इसमें से स्टिक कर लो इसको डबल टेप से, और ये इधर आ जाएगा ऐसे। ये इस तरह स्ट्रेट हो जाएगा इसका, ये जो वायर है आपके गोप्रो में लगेगा और ये जो है इधर स्ट्रेट रहेगा। अभी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि इसका अगर हिल रहा है ये ज्यादा मूवमेंट हो रहा है तो सेलो टेप ले लो, सेलो टेप लेके वो इसको स्टिक कर दो ऐसा, थोड़ा सा सेलो टेप तोड़ लो ऐसा कट करके पीस, सेलो टेप कट करके ऐसा थोड़ा सा इधर जो है वैसा इसको रोल कर लो ऐसा, ये इधर ऐसा हिलेगा नहीं और ये स्ट्रेट ऐसे ही रहेगा अभी। तो अभी ना पेन के दिखाता हूँ किस तरह ये लगेगा। ये कुछ इस तरह का सेटअप हो जाएगा जब ये इधर से माइक जो है यहाँ पे रहेगा। जब मैं फ्लिप को खोलता भी हूँ तो बंद किया तो भी इधर ही रहेगा ऐसे, यहाँ पे मेरे फेस के बराबर सब मुंह के सामने ही रहेगा, तो जब बोलोगे तो बराबर क्लियर वॉइस भी आएगा। यहाँ पे ऐसा है, ये बंद किया, यहाँ पे ऐसा खोला तो ये इधर ही है, इससे ज़्यादा हिलेगा नहीं। अगर एडजस्टमेंट अगर ऊपर चाहिए तो ऊपर भी ऐसा कर सकते हो, इसके यहाँ पे थोड़ा ऐसा किया तो ऊपर आ जाएगा, और चिपक के है तो डबल टेप से तो बंद भी कर सकते हो। तो बंद किया यहाँ से, यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे से जो निकाला है इधर देख, यहाँ से जो निकाला है ना वायर, ये वायर है जो यहाँ पे आपको ऐसा लग जाएगा इजीली, यहाँ पे से ये जो यहाँ पे है यहाँ पे इजीली लग गया, यहाँ से ऐसा इजीली लग सकता है इधर ये, थोड़ा सा देख के ऐसा लगा देने, ये सेटअप हो गया आपका GoPro। इस तरह से कोई लुक भी यहाँ से कोई है प्रॉपर, यहाँ से कोई वायर वायर नहीं निकल रहा है, या पीछे की तरफ ऐसा कम ये भी नहीं है जिस दुख रहा है, ये सब कुछ होगा नहीं, आराम से मूवमेंट है देख प्रॉपर है ऐसा, माइक है इधर इधर देखो, यहाँ से भी देख लो, ये व्यू में भी आपको ऐसा प्रॉपर रहेगा यहाँ से माइक। बाकी का ये वाला सेटअप तो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, कैसा लगाना है, एमसील से लगाना रहता है एमसील से लगा सकते हो, या तो मास्किंग टेप यूज़ करके निकाल ले, ये तो रिमूवेबल नहीं है, रिमूवेबल वाला भी हो सकता है, वीडियोज आ रहा है इसमें देख सकते हो। देखो भाई सुन लो, आवाज़ अच्छे से आ रही है कि नहीं आ रही है, जैसे आनी चाहिए ट्राई करो, अगर आती है आवाज़ आप लोगों को तो भी अच्छी बात है। इस तरह का एक सेटअप हो सकता है, फिर लगभग मैं कितने घंटे से 5 बजे निकला था ना, 6:18 हो गए और मैं यही सेटअप पे ऐसे ही चला रहा हूँ, बीच में रुका भी लोगों से मिलने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट कर दो, और दोस्तों के साथ में शेयर करो, और डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल रोड स्टोरी, और कोई नया कुछ वीडियो चाहिए तो प्लीज़ सजेशन दे सकते हो। टिल देन साइनिंग आउट, लाइक एंड बी हैप्पी।